चिलचिलाती गर्मी की दोपहर हो या सावन की घनघोर बारिश हो, कमला अपने बेटे सागर की स्कूल बस के इंतजार में समय से पहले बस स्टॉप पे आकर खड़ी हो जाती थी। पल्लू से पसीना पोंछती या फिर बारिश की बूंदें हटाते हुए वो बार बार सड़क में दूर तक निगाह दौड़ाती रहती। बस स्टॉप से सागर को लेकर घर पहुँचने तक उसे लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगता था, लेकिन फिर भी वह साथ में एक स्टील के छोटे डिब्बे में सागर के पसंद की कोई मिठाई ले आती थी। बस से उतरते ही सागर जब माँ के हाथों से वो डिब्बा झपट लेता तो कमला मुस्कुराते हुए उसे निहारते रहती। गांव की पाठशाला में 5वीं तक पढ़ी कमला किताबों में लिखी बातें तो सागर को नहीं समझा पाती थी, पर जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को वो काफ़ी अच्छे से समझती थी। यूँ 28 साल बीत गए थे। नन्ना सा अब सागर बड़ा होकर IPS ऑफिसर बन चुका था। पिछले 5 सालों से वो दिल्ली में था। साथ काम करने वाली नव्या को सागर पसंद करने लगा था। नव्या एक बड़े सरकारी अधिकारी की बेटी थी। फ़ोन पे बताया था सागर ने माँ को नव्या के बारे में। अब वो अपने घर लौट रहा था, नव्या भी साथ आ रही थी। कमला रेलवे स्टेशन के बाहर बेटे और होने वाली बहू का इंतज़ार कर रही थी। उसे स्कूल के वो दिन याद आ रहे थे जब वो बस स्टॉप पे बस के आने का इंतज़ार करती थी। नव्या के घर वाले भी रेलवे स्टेशन के एग्ज़िट गेट में आ गए थे। उन्होंने हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके लिया हुआ था सागर और नव्या के स्वागत के लिए। पर बेचारी कमला को ये बुके का गणित कहाँ समझ आता था। वो तो आज भी आंचल में छुपाकर ले आई थी स्टील का एक डिब्बा और उसमें सागर की मनपसंद लड्डू। ट्रेन आ चुकी थी। एग्जिट गेट में मेहमानों का इंतज़ार कर रहे लोगों की हलचल बढ़ गई थी। सारे लोग गेट पे जमा हो गए थे, पर कमला जाने क्यों धीरे धीरे पीछे सरक रही थी। स्वागत के तौर तरीके ये बड़े बड़े लोगों का अंदाज कहाँ था उसके पास। दुनियादारी की दौड़ में बेटे को आगे कर चुकी कमला शायद खुद कहीं पीछे रह गई थी। अचानक उसके आंचल में छिपा डिब्बा किसी ने झपटा तो वो एकदम से घबरा गई, पर अगले ही पल जैसे उसकी आंखों के सामने कितना सुखद पल आ खड़ा हुआ था। सामने सागर खड़ा था, बचपन वाली उसी मुस्कान के साथ। सागर ने माँ के पैर छुए और जल्दी जल्दी स्टील का वो डिब्बा खोलकर सारे लड्डू वो एक साथ अपने हाथ में समेटने लगा तो नव्या उससे अपना हिस्सा छीनने लगी। इसमें माँ जी मेरे लिए भी लेकर आई है, बोलते हुए सागर और नव्या छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते माँ के गले लग चुके थे। कमला निश्चिंत हो चुकी थी कि दुनिया का नामचीन ऑफिसर बन चुका सागर अंदर से आज भी बच्चे का वही रूप लिए हुए है। बहन जी, हो सके तो इस लड्डू में चाशनी बनकर घुला आपका प्यार और आपके बेटे के संस्कार में एक छोटा सा हिस्सा मेरी बेटी नव्या को भी दे दीजिए। गुलदस्तों को एक तरफ रखते हुए नव्या के ताकतवर पिता हाथ जोड़कर कमला के सामने खड़े थे। सभी की आंखें भीगी हुई थी मगर खुशी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।